दुनिया भर के लग्जरी घरों की बात करें तो मुकेश और नीता अंबानी का आलीशान घर एंटीलिया दूसरे नंबर पर आता है। शानदार महल जैसा ये घर एक बार जो देख ले बस देखता रह जाए। इसकी खासियत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्राइवेट घर की लिस्ट में ये दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे महंगा घर है। दुनिया भर में पहले नंबर पर बकिंघम पैलेस है, लेकिन आज हम एंटीलिया नहीं बल्कि गुलीटा हाउस की बात करेंगे। ये बंगला उनकी बेटी ईशा अंबानी का है, जो किसी महल से कम नहीं है। शायद आपको लग रहा होगा कि ये घर लाडली ईशा को उनके पिता मुकेश अंबानी ने ही दिया है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, बल्कि मुकेश अंबानी तो खुद कभी इस घर को खरीदने की दौड़ में शामिल थे, और बिजनेसमैन गौतम अडानी भी। लेकिन ये घर खरीदा था ईशा अंबानी के ससुर अजय पीरामल ने। उन्होंने ही ये घर अपनी बहू को तोहफे के रूप में दिया था। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार पहले इस घर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का मालिकाना हक था। चलिए इस शानदार घर की आपको खासियत बताते हैं। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल के साउथ मुंबई वर्ली में स्थित इस शानदार गुलीटा हाउस की कीमत उस समय करीब 450 करोड़ रुपए थी। जब 2012 में उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर से यह घर खरीदा था, लेकिन आज इस विले की कीमत करीब 1000 करोड़ के आसपास बताई जाती है। वैसे तो ये बंगला एंटीलिया से 8 गुना छोटा है, लेकिन इसका इंटीरियर इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। बंगले में ग्लास इंटीरियर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है और घर को डायमंड लुक दी गई है। इस बंगले में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एंटीलिया में हैं। ये बंगला ईशा अंबानी के ससुर ने ईशा की पसंद को ध्यान में रखते हुए ही बनवाया था। कहते हैं कि ईशा और आनंद की शादी से पहले 1000 लोगों ने एक साथ काम करके इसे 24 घंटे में ईशा और आनंद के लिए तैयार किया था। इस घर को लंदन बेस्ड एक इंजीनियरिंग फर्म की मदद से 3D मॉडलिंग टूल्स के जरिए डायमंड थीम के अनुसार बनाया गया है, यानी कि बाहर से ये घर डायमंड के आकार का दिखता है। इंजीनियर एकार्सले ओकालेगन ने इसे तैयार किया है। ईशा का यह खूबसूरत बंगला सी फेसिंग है, जहां से समुद्र का नजारा दिखता है। घर के सामने से ही अरब सागर का शानदार नजारा दिखता है। इन 5 मंजिलों में 3 बेसमेंट हैं, इनमें 2 में पार्किंग और सर्विस फैसिलिटी हैं। वहीं गुलीटा के ग्राउंड फ्लोर में एक एंट्रेंस लॉबी है, जबकि ऊपर की मंजिलों में लिविंग रूम, मंदिर और डाइनिंग हॉल है। इसके साथ ही बंगले में ट्रिपल हाइट मल्टीपर्पज रूम है और बेडरूम सर्कुलर स्टडी रूम भी है। बंगले में इसके अलावा लाउंज एरिया, ड्रेसिंग रूम और सर्वेंट क्वार्टर भी हैं। एंटीलिया और गुलीटा में फर्क की बात करें तो बता दें कि एंटीलिया में 27 मंजिलें हैं, जबकि गुलीटा 5 मंजिला इमारत है। एंटीलिया 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और गुलीटा 50,000 स्क्वायर फीट में। ईशा अंबानी का ये घर इतना भव्य है कि यहाँ एक साथ कई कर्मचारी काम करते हैं। हर फ्लोर पर सर्वेंट्स को रहने के लिए अलग से कमरे दिए गए हैं। ईशा के घर का किचन इतना बड़ा है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले साल ईशा ने अपने घर पर ऑल गर्ल्स पार्टी यहीं होस्ट की थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा जैसे स्टार्स ने हिस्सा लिया था। एक परफेक्ट होस्ट की तरह ईशा ने अपने घर में बनी आइसक्रीम मेहमानों को परोसी थी, जिसकी तस्वीरें प्रियंका और परिणीति ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की थी। ईशा अंबानी अपने घर एंटीलिया से शादी कर आगे भी महलों में ही गई, जिसका नजारा सच में शानदार है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।